बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.8 मैं आपको करवा रही हूँ। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। आपको लाइंस देनी है, आपको इनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपको एंगल्स फाइंड आउट करके बताने हैं, थीटा फाइंड आउट करके बताना है कि क्या एंगल जो है वो इन लाइन्स का बन रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। लाइंस का आपस में, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं उनका आपस में क्या एंगल बन रहा होगा, ये हमें करना है फाइंड आउट। अब किस तरह से कर सकते हैं, तो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक है, ये फॉर्मूले में ए प्लस बी है। ठीक है, ये आपके पास ए प्लस बी है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो एज द कंबाइन इक्वेजन ऑफ लाइन्स। नाउ फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस एच, थीटा इज इक्वल्स टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हेयर ए इज इक्वल्स टू कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस टू एच इक्वल्स टू माइनस फाइव, तो एच आ जाएगा यहाँ से माइनस फाइव अपॉन टू। बी इज इक्वल्स टू कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि सिक्स है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे कंपेयर करना होता है विद जनरल इक्वेजन, जनरल कंबाइन इक्वेजन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, इससे हमने कंपेयर किया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू एच बराबर है माइनस फाइव के और यहाँ पर बी बराबर है सिक्स के। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर है, देखें तो एच स्क्वायर की जगह हम कर सकते हैं ये माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस ए बी, तो ए है वन बी है सिक्स और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ए है वन बी है सिक्स। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू और यहाँ रूट में हो गया है फाइव का स्क्वायर, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, टू टू ज़ा फोर, माइनस वन सिक्स ज़ा सिक्स, डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस वन सेवन। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अब ये जो है वो फोर एल सी एम आ जाएगा। ठीक है, जब फोर एल सी एम आ जाएगा तो फोर का रूट जो है वो खुल जाएगा टू, तो ये जाएगा टू अपॉन टू और यहाँ पर आ जाएगा रूट में ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, क्योंकि ये फोर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, एल सी एम हमने लिया सिंप्लीफिकेशन की और ये है डिवाइडेड बाय सेवन। थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया सिंपल वन, टेन इनवर्स ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर की आ गया वन। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय फोर यानी वन अपॉन सॉरी सेवन, वन डिवाइडेड बाय सेवन, तो ये आपकी बुक में आंसर गिवन है। सिंपल, इस तरह से आपने एंगल को फाइंड आउट करना है। पार्ट टू है इसी क्वेश्चन का, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
सेवन एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्यूशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ कंपेयर इट विथ जनरल कंबाइंड इक्वेशन। जनरल कंबाइंड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। हेयर ए इज इक्वल्स टू थ्री, टू एच इक्वल्स टू सेवन, एच इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू प्लस सॉरी बी इज इक्वल्स टू टू। बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ बी है यहाँ टू है, यहाँ ए यहाँ थ्री है, यहाँ टू एच प्लस सेवन के इक्वल है। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू अंडर रूट एच की वैल्यू है सेवन अपॉन टू इसका स्क्वायर माइनस ए थ्री है बी टू है और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ए है थ्री बी है टू। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू अंडर रूट सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, टू टू ज़ा फोर माइनस थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स फोर एलसीएम आ जाएगा, फोर का रूट जो है वो टू खुल जाएगा तो ये हो जाएगा टू अपॉन टू। फोर्टी नाइन माइनस सिक्स है तो सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, फोर्टी नाइन माइनस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव। टू से टू कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर किया तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी फाइव और अंडर रूट ट्वेंटी फाइव खुलता है फाइव और ये आ गया पॉइंट फाइव। फाइव से फाइव कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स वन जो है वो फोर्टी फाइव के इक्वल होता है। ठीक, तो थीटा आ गया यहाँ से फोर्टी फाइव डिग्री। ठीक, यही आपकी बुक में आंसर भी गिवन है। पार्ट थ्री है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन। With general combined equation, general combined equation होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। हेयर ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस थ्री और टू एच इक्वल्स टू टू। तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू आ गई सिंपल वन। नाउ फाइंड एंगल
between the lines, theta is equals to tan inverse 2 under root h square minus ab upon a plus b theta is equals to tan inverse as it is रखेंगे 2 as it is under root में h square h है 1 1 का square minus a है 1 b है minus 3 और upon a plus b यानी 1 plus minus minus 3 theta is equals to tan inverse 2 रूट में वन का स्क्वायर किया वन माइनस माइनस प्लस वन थ्री ज़ा थ्री अपॉन थ्री माइनस वन टू थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू से टू कैंसिल हो गया थ्री प्लस वन फोर फोर का रूट खुला टू और ये आ गया माइनस का टू टेन इनवर्स माइनस टू या हमारे पास आ रहा है अब टेन इनवर्स माइनस टू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए शिफ्ट वाके टेन इनवर्स प्रेस किया माइनस का टेन प्रेस किया तो टेन इनवर्स आ गया माइनस टू आ रहा है माइनस का 63 ठीक है एंगल नेगेटिव नहीं लिखते तो हम क्या करेंगे इसको 180 में से करेंगे माइनस वो ऑलरेडी माइनस का है ठीक है तो मेरे पास आ गया 116.56 थीटा इज इक्वल्स टू 116.56 अब पॉइंट के बाद आपको जो है वो चेंज किया गया है जो है वो मिनट्स में आंसर को तो मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60 तो थीटा इज इक्वल्स टू 116 प्लस पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसे हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं तो आ जाता है मिनट्स में तो थीटा इज इक्वल्स टू 116 प्लस 0.56 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो ये आ गया है मेरे पास 33.6 यानी 34 ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे 34 मिनट्स तो ये हो जाएगा 116 डिग्री एंड 34 मिनट्स ये आ गया सिंपल आंसर इसी तरह से पार्ट फोर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हेयर गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो नाउ कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन विद जनरल कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस तो वो क्या है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो तो यहाँ पर ए है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ है वन यहाँ है टू एच एक्स आई का कोफिशेंट यहाँ एक्स कोफिशेंट इसका कोफिशेंट है वन तो एच की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू इसी तरह बी है वाई स्क्वायर का कोफिशेंट और यहाँ है माइनस टू ठीक है ये सारी चीज़ें तो अब आप अच्छे से सीख चुके हैं नाउ टू फाइंड द एंगल्स टू फाइंड द एंगल between two lines theta is equals to tan inverse 2 under root h square minus ab upon a plus b तो यहाँ पर आ गया tan inverse 2 as it is h है 1 upon 2 इसका square minus a है 1 b है minus 2 और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी तो ए और बी कितने हो गए वन माइनस टू क्योंकि इसकी साइन माइनस की है या वन माइनस टू थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स
टू, और रूट में है वन का स्क्वायर वन, टू टू ज़ा फोर, माइनस माइनस प्लस, वन टू ज़ा टू, डिवाइडेड बाय माइनस वन, ये आ गया टेन इनवर्स, रूट खुला फोर जो है वो टू वन के बाहर आ गया, टू अपॉन टू, और रूट में हो गया वन प्लस टू थ्री, डिवाइडेड बाय माइनस वन, टू से टू ख़त्म हो गया, तो ये आ गया माइनस का अंडर रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि अपॉन में माइनस वन है तो माइनस हम ऊपर ले आए, अंडर रूट माइनस थ्री, तो हम प्रेस करेंगे टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस अंडर रूट थ्री की वैल्यू है अच्छा यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गया, मैंने फोर टू ज़ा एट नहीं किया, एट और वो वन हो गया नाइन, तो नाइन का जब रूट खुला तो रूट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल थ्री है, तो टेन इनवर्स माइनस थ्री है, टेन इनवर्स माइनस थ्री, यह आ गया है माइनस का सेवेंटी वन, तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे, वन एटी माइनस आंसर करेंगे, तो यह आ गया वन हंड्रेड एंड एट पॉइंट फोर थ्री फोर, थीटा कितना आ गया आपके पास 108.43। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू से मिनट में चेंज करेंगे, आपके बुक में उसी तरह से आंसर दिया गया है, तो 0.43 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा मिनट्स, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गई वैल्यू 25.8 यानी 26, तो थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड 26 मिनट्स, ये आ गया सिंपली इसका भी आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।